होटल में आपका स्वागत है। आइए आज अपन बनाएंगे सेवई, मीठी सेवैया बनाएंगे। इसके लिए मैंने साहित्य लिया है, सेवई, घी, इलायची पाउडर, काजू बादाम के टुकड़े, खोबरा और ये मनुका। ठीक है, अपन पैन गरम करेंगे। दूध लिया है। थोड़ा सा तेल डालकर पहले घी डालेंगे थोड़ा सा। दूध को गर्म कर लूंगी। एक साइड दूध गर्म करके रखेंगे। और ये जो काजू बादाम के टुकड़े लिए हैं ना, इनको थोड़ा सा घी में फ्राई करेंगे, तलेंगे, रोस्ट कर लेंगे इनको। थोड़े से ब्राउन हो जाते इनको निकाल लेंगे। इसी कढ़ाई में घी डालेंगे अपन 2 चम्मच। ये मैंने घर का ही बनाया हुआ घी है। अब इसमें डालेंगे अपन सेवैया। बारीक टुकड़े भी हो गए तो कुछ नहीं होता। इनको धीमी आंच पे पकने देंगे। इन सेवइयों को ब्राउन होने तक के तलेंगे अपन। सेक लेंगे तेल में। अब इन सेवैया अपनी सेवैया अच्छी भून चुकी है, तो ब्राउन हो जब तक के देखिए। अब इसमें अपन डालेंगे गरम दूध। गरम दूध डालेंगे, सॉरी, और इसमें कटे हुए टुकड़े डाल देंगे अपन। शक्कर डालेंगे, स्वाद अनुसार शक्कर डालेंगे अपन। आप अपने स्वाद से डालिएगा। हमारे यहाँ मीठा खाना पसंद करते हैं, इसलिए मैं और शक्कर डाल रही हूँ। थोड़ी देर इनको पकने देंगे। और इसी में अपन इलायची पाउडर पीस के रखा है मैंने, शक्कर डाल के, और थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे। बस एक उबाल आए जब तक के अपन इनको पकने देंगे। थोड़ा सा मनुका डाल दूंगी मैं इसी में।
ये देखिए एक उबाना है, जब तक उनको सीखने देंगे। देखिए अपनी सेवई बनके तैयार हो चुकी है, ये देखिए गल चुकी है, देखिए टुकड़े हो रहे हैं ना, दो टुकड़े हो गए, दो उबाल आए, जल्दी सीज जाती है, बहुत कम टाइम में बनने वाली रेसिपी है। और अब भी अपनी फ्लेम को बंद करेंगे। आपको मेरी ये मीठी सेवई की रेसिपी कैसी लगी आपको कमेंट द्वारा बताइएगा, और बना के देखिए, खाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।